नमस्कार, न्यूज 24 आरजे हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है, लॉकडाउन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। और इसी के साथ ही साथ स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। स्कूल कॉलेज को लेकर और इसी के साथ ही साथ लॉकडाउन को लेकर सभी राज्यों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि आप सभी के लिए जानना जरूरी है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की बात करते हैं। आज सुबह 10:30 बजे विधायक दल की बैठक होगी, व्हिप जारी नहीं जाएंगे पायलट। जी हाँ, अपने पूर्व सहयोगी ज्योतिरादित्य सिंधिया के दर्ज पर उप मुख्यमंत्री व राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने खुली बगावत कर दी है। रविवार रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बुलाई गई विधायकों की बैठक में जाने से इनकार करते हुए पायलट ने व्हाट्सएप ऊपर बयान जारी कर दावा किया है कि उनके साथ 20 विधायक हैं। और पायलट ने कहा है कि गहलोत सरकार पालमत में है और वही आज सुबह 10:30 बजे जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के लिए पार्टी के सभी विधायकों को एक विजिट जारी किया गया है। चलिए अगली अपडेट की बात करते हैं। यूपी के विश्वविद्यालयों में अक्टूबर से शुरू होगी ऑनलाइन क्लास, जाने कब से होंगे एडमिशन और परीक्षाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले सत्र के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है और यूपी सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्य में नई सत्र की शुरुआत अक्टूबर 2020 में होगी और वही छात्रों की पढ़ाई नवंबर की पहली तारीख से और नए सत्र की परीक्षाएं अगले मार्च से अप्रैल के बीच आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते 3 महीने से बंद विश्वविद्यालयों को अब खोलने की शुरुआत हो चुकी है और इसी कड़ी में रविवार को यूपी के योगी सरकार ने छात्रों की पढ़ाई को लेकर गाइडलाइन जारी की है। अब हफ्ते के 2 दिन सभी ऑफिस और बाजार रहेंगे बंद। जी हां, लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल प्रदेश में अब हफ्ते के 5 दिन ही ऑफिस और बाजार खुलेंगे। सोमवार से शुक्रवार तक ऑफिस व बाजार खुले रहेंगे, जबकि शनिवार और रविवार को सभी तरह की ऑफिस व बाजार बंद रहेंगे। रविवार को हुई समीक्षा बैठक में इस बात को लेकर मंथन हुआ कि अनलॉक के बाद कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं और जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि हफ्ते में 5 दिन ही बाजार और सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे और इसके अलावा बाजार, शहरी और ग्रामीण व अन्य व्यवसाय संस्था भी बंद रहेंगे और इसी के दौरान आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं जारी रहेगी। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।